अकलार्ट को हराने के लिए मैंने एक बात पे बार बार स्ट्रेस किया है कि आपको रीड बहुत करना है, और रीड करने के लिए आपको न्यूज़पेपर मिल सकता है, आपको बुक्स मिल सकती हैं, आप पोएम्स बोलिए, आप अपनी भाषा में बोलिए, आप अंग्रेजी भाषा में बोलिए। और इस बात को मैंने बार बार बोला है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप टंग ट्विस्टर्स जो हैं, जैसे टंग ट्विस्टर्स होता है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पापड़ पक्का पापड़ कच्चा, अब अगर आप इसको जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने टंग पे और अपनी बोली पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। और रेगुलर प्रैक्टिस से अगर आप इसको ठीक से बोल पाते हैं तो आपको जो पी शब्द है, जो पा शब्द है, उस पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। इसी तरीके से हम डिफरेंट जो टंग ट्विस्टर्स हैं उनको देख सकते हैं। लेकिन टंग ट्विस्टर्स एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, और अगर आपको उसके ऊपर कमांड आ गया तो आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी। लेकिन और कहां से लेके आए, तो उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़पेपर की भाषा होती है वो बहुत सिंपल होती है, उसको आप बहुत आराम से रीड कर सकते हैं, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं आती। और वो भाषा लिखी इसलिए गई है क्योंकि आप उसको बहुत आराम से रीड कर सकें, और ये हर लोगों के लिए है। तो अगर आप उसको जोर से बोल के रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, और आप उसको फ्लुएंटली बोल सकते हैं, और इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात कर रखी है, और कोर्स में भी हमने इसको बहुत डिटेल में बताया है। अगर आप डिफरेंट टाइप के कंटेंट को उठाते हैं, जैसे एक कोई रिसर्च आर्टिकल, किसी ने कोई रिसर्च करी है उसके ऊपर कोई एक आर्टिकल लिखा है, और अगर आप उसको रीड करते हैं तो आपको वो भाषा को पढ़ने में काफी मुश्किल आएगी, वो आपके लिए एक टंग ट्विस्टर की तरह कार्य करेगा। अगर आप कोई एक डिफरेंट पोएम को पढ़ते हैं, या कोई एक प्रोज को पढ़ते हैं, या आप एक थिएटर का जो नाटक होता है उसकी जो डायलॉग्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक टंग ट्विस्टर का कार्य करता है। तो ये डिफरेंट तरीके से आप जब अपने मुंह की, अपने टंग की, और अपने जो स्पीकिंग ऑर्गन से उसकी एक्सरसाइज करेंगे लगातार बिना रुके, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप आराम से बोल सकते हैं। और आप जब इतनी मुश्किल चीज को आराम से बोल सकते हैं, तो ये सिंपल भाषा है जो हमारी नॉर्मल भाषा होती है, उसको तो हम बहुत आराम से बोल सकते हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको दिमाग में बिठाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, और इसलिए हमें थोड़ा समय लगता है अपनी स्टैमरिंग को या अपनी हकलाट को हराने के लिए। तो आपको इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। और ये बात मैं आपको फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप रीड बहुत कीजिए, आप अकेले में बैठ के रीड कीजिए, किसी के सामने रीड कीजिए, अगर स्टोरी है उसे बताइए, बच्चे मिल सकते हैं उनको स्टोरी बताइए, आप अगर कोई एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वो दीजिए, आप कुछ किताब पढ़ सकते हैं उसे पढ़िए, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसे बोल के पढ़िए, कुछ पोएम्स पढ़नी है उसे आप बोल के पढ़िए। तो आप जितना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके जो स्पीकिंग ऑर्गन्स है उनकी एक्सरसाइज होगी, और स्टैमरिंग को हराने में बहुत मदद मिलेगी।